स्टूडेंट्स, हम क्लास वन में कंप्यूटर के बारे में पढ़े थे। तो हम पढ़े थे कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स, ठीक है। तो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि ये जितने सारे चीज दिख रहे हैं, ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। इसमें इन चीजों को क्या क्या नाम देते हैं, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। सबसे पहले ये है मॉनिटर, ठीक है। ये टीवी स्क्रीन के जैसे जो दिख रहा है, ये मॉनिटर है। और ये प्रिंटर है जिसमें प्रिंट आउट निकलता है। ये स्पीकर है जिससे आवाज बाहर आती है तेज। ये है कीबोर्ड। कीबोर्ड में बहुत सारी की होते हैं, जैसे आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो ABCD दिया गया है, ये अल्फाबेटिक की है। ये जो नंबर दिया गया है, ये न्यूमेरिक की है, ठीक है। और ये कर्सर है। और ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे ये शिफ्ट है, एंटर है, ठीक है। यहाँ भी इंटर की है। ये CTRL कंट्रोल, ठीक है। ये सारी की के बारे में सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया गया था बुक में, जो मैं बता रही हूँ। ये पूरा जो ABCD दिया है, ये अल्फाबेटिक की है। ये 1-2 दिया गया है, वो न्यूमेरिक की है। और ये कर्सर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये है माउस, ठीक है। माउस के बारे में मैं आप लोग को बताई थी। और उसके बाद एक और चीज बताई थी, वो है CPU, जो कंप्यूटर का ब्रेन है। CPU जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन है ना। ये कंप्यूटर का ब्रेन है। और ये जो है वो है UPS, जिसपे चार्ज होता है, जिसपे हम लाइट गोल होने के बाद कुछ देर के लिए कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये CPU को यहाँ से ऑन करते हैं, मॉनिटर को यहाँ से ऑन करते हैं, ठीक है। मॉनिटर के बाद कल फिर हम पढ़ेंगे, उसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको बताऊंगी। ये है माउस, जिसमें ये है, ये जो घूमता रहता है व्हील्स चक्के के जैसे दिखाई देता है। तो ये है स्क्रॉल, ठीक है। ये है लेफ्ट की क्लिक है और ये राइट क्लिक है। इसको दबाएंगे तो ये क्लिक होगा, है ना। ये राइट क्लिक और ये लेफ्ट क्लिक, ठीक है। और ये मॉनिटर है। तो वहाँ से बोर्ड से कंप्यूटर को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर जाके इसको चालू करेंगे। उसके बाद हम CPU का बटन ऑन करेंगे और फिर जो है वो काम करना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद मैं आप लोगों को बताई थी, आप लोगों को बताया गया था CPU, आप लोगों को बताया गया था माउस को रखने के लिए माउस पैड होता है। अगर माउस पैड नहीं है तो किसी भी कागज को या फिर बुक को रख के माउस को चलाया जाता है, जिससे माउस जो है अच्छे से वर्क करता है। तो आज हमने देखा कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, है ना। ये मॉनिटर है, स्पीकर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, CPU, कंप्यूटर का ब्रेन और वो UPS। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।